हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, एक लेंस में क्रोमेटिक अपघटन किस घटना के कारण होता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फैलाव यानी कि डिस्पर्सन के कारण एक लेंस में क्रोमेटिक अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हड्डी में उपास्थि के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? हड्डी में उपास्थि के परिवर्तन को कहा जाता है अस्थिकरण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, अस्थिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के आईलेट्स किस अंग का हिस्सा हैं? लैंगरहैंस के आईलेट्स किस अंग का हिस्सा हैं? वो हैं अग्नाशय के। ओके, अग्नाशय ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना आंसर बताइए। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हीमोसील यानी कि रक्त गुहा। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में रक्त गुहा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, प्रवाल भित्तियाँ पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो डैश से बनी होती हैं। प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं यहाँ पे ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट की। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पर है ये आपको ये बताना है। चलो मैं बता देती हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? क्वार्टज निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? सिलिकॉन का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? सभी अम्लों के लिए जो सामान्य तत्व है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? रेडियोधर्मी पदार्थ पहले जैसा ही रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट वन, मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी तो सभी जानते हैं कौन सी है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे नाजुक हड्डी कौन सी है, तो वो है लैक्रिमल। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप है ये, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। लैक्रिमल हड्डी जो है शरीर की सबसे नाजुक हड्डी होती है। नेक्स्ट वन, जन्म के बाद माँ और बच्चे के बीच का कौन सा लिंग कट जाता है? जन्म के बाद माँ और बच्चे के बीच का कौन सा लिंग कटता है? तो वो है ग्रीवा रज्जू। ग्रीवा रज्जू नाम का जो लिंग होता है माँ और बच्चे के बीच, जन्म के बाद वो कट जाता है। अमीबा किसकी सहायता से भोजन निकलता है? अमीबा किसकी सहायता से भोजन को निकलता है निगलता है सॉरी तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, काएकुम। ओके, ऑप्शन डी काएकुम। फोटोग्राफी में किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपघटन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अपघटन। नेक्स्ट वन, गीगर मुलर काउंटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता को मापने के लिए गीगर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फुफ्फुस कार्पासता यानी कि बाई सिनोसिस नामक निम्न में से किस विष के कारण होता है? तो जो बाई सिनोसिस होता है ये फेफड़ों से रिलेटेड एक डिजीज़ है, ये किस विष के कारण होती है? ये डस्ट, कौन सी डस्ट है? वो कपास की, कॉटन डस्ट के कारण, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कॉटन डस्ट यानी कि कपास धूल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एथलीट फुट रोग यानी कि पैर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हिंदी लिखी हुई है, कोई बात नहीं, एथलीट पैर रोग किस फफूंदी के कारण होता है? तो ये होता है टीन या पेडिस के कारण। ये तो सब जानते हैं कि कवक के कारण होता है, लेकिन कौन सा कवक है वो? तो वो कवक है टीन या पेडिस, इसके कारण एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत गर्म तरल डालने के कारण ग्लास कंटेनर में दरारें क्यों पड़ जाती हैं? आप बताइएगा इसका आंसर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कांच की कम तापीय चालकता।
कांच की कम तापीय चालकता, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा, कक्षीय गति। क्या कहते हैं? कक्षीय गति। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये आज के इस वीडियो का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, नाम से ही पता चल रहा है, महाधमनी। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव, पवन टर्बाइन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं वाइंड टर्बाइन। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन वी हैव डैश, प्राथमिक संवहनी पौधे होते हैं जिन्हें सामान्यतः फर्न के नाम से जाना जाता है। क्या आएगा इस डैश की जगह पे, बताइएगा। तो ये होते हैं टेरिडोफाइट। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, टेरिडोफाइट प्राथमिक संवहनी पौधे होते हैं जिन्हें सामान्यतः फर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ता क्या है? तो जड़ता यानी कि लॉ ऑफ इनर्सी आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के तीन जो लॉ हैं उनमें से पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो वही जड़ता यहाँ पे पूछा गया है, क्या है ये जड़ता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन वी हैव, अंतःस्रावी तंत्र के मुख्य भाग क्या हैं? अंतःस्रावी तंत्र के मुख्य भाग क्या हैं? तो आप चेक करिए क्वेश्चन और पढ़िए, पूरा पढ़िए तब जाके आप आंसर कीजिए। तो ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गुर्दे, बड़ी आंत, यकृत और त्वचा। तो त्वचा जो होती है वो अंतःस्रावी नहीं होती, बाह्यस्रावी होती है, ठीक है, ये ऑप्शन कट कर देंगे हम। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड और पैराथीरोइड, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि अगर हम ऑप्शन सी चेक करें तो यहाँ पे भी त्वचा आई हुई है, जबकि त्वचा जो है वो बाह्यस्रावी तंत्र का मुख्य भाग है, ना कि अंतःस्रावी का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अंतःस्रावी तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड और पैराथायरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी के पेंडुलम के झूलने में कौन सी गति होती है? घड़ी के पेंडुलम के झूलने में कौन सी गति होती है? दोलन गति होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है विटामिन B9 को। अब यहाँ पे बाकी जो विटामिन है उनके भी नाम देख लेते हैं। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक, B12 को बोलते हैं साइनोकोवाल्मिन, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कौन सा हार्मोन सांद्र मूत्र के निर्माण का कारण होता है? पानी की कमी के कारण कौन सा हार्मोन सांद्र मूत्र के निर्माण का कारक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर जाप हाथसेन। ओके, डॉक्टर जाप हाथसेन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट वन वी हैव, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश का एक गुण नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश का कौन सा गुण नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इससे प्रसार करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है, प्रकाश को प्रसार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।